शिक्षा विभाग पर महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसलिए आपको खूब खूब धन्यवाद। देश के जो अंदर जो शिक्षा के जो हाल हैं, वर्तमान जो परिस्थिति में जिस तरह से देश ग्रोथ कर रहा है, उसके साथ जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो क्वालिटी आनी चाहिए थी वो आज नहीं आ रही है। आज हम सब जब यहाँ हैं, मैं आज ST कैटेगरी से आता हूँ, यहाँ पर आया हूँ, इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो मेरे समुदाय का प्रमाण पत्र और दूसरा एजुकेशन। अगर एजुकेशन नहीं होता तो मैं आज यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। शिक्षण व्यवस्था की अगर बात करें, वर्तमान में जो भौतिक स्थिति आदिवासी इलाके की अगर बात करें विशेष करके, तो सबसे पहले भौतिक स्थिति क्या है, वहाँ पर कमरे नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, चार दीवारें नहीं है, शिक्षण व्यवस्था वहाँ पर अध्यापक नहीं है। हम बड़ी बड़ी बात कर लेते हैं, हम कहते हैं देश ग्रोथ हो रहा है, ये हो रहा है, विकास की ओर जा रहा है, लेकिन मैं आज दावे के साथ कहता हूँ कि देश के आदिवासी इलाके के अंदर जब बारिश होती है तो 70% विद्यालय को खाली कर दिया जाता है, क्योंकि वो बिल्डिंग बैठने के लायक नहीं है। आज देश के ये हालात है। मैं राजस्थान के दक्षिणी इलाके से आता हूँ, संसदीय क्षेत्र बांसवाड़ा से, वहाँ पर 78% आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ पर मेरे उस इलाके के अंदर हायर एजुकेशन हो या अपर एजुकेशन हो, उसमें स्थिति ये बनी हुई है कि एक एक कमरे के अंदर, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूँगा कि देश के उस ऐसा कोना भी है जहाँ पर तीन तीन चार चार क्लास के बच्चे एक रूम में बैठते हैं, छठी सातवीं आठवीं नौवीं, और हम दावा कर रहे हैं कि देश को गति की ओर, प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, अमृत महोत्सव की ओर ले जा रहे हैं। एक कमरे में चार क्लास के बच्चे बैठेंगे, टीचर किसको पढ़ाएगा, और वो बच्चा डिग्री प्राप्त करके कहाँ जाएगा, क्या करेगा आगे जाके, उसका भविष्य अंधकार में जा रहा है। मान्य सभापति महोदय, देश के वर्तमान के अंदर जो पॉलिसी ला रहे हैं, नई शिक्षा नीति मेरी समझ के अनुसार प्राइवेटीकरण को आगे बढ़ाने का नीति है। इसमें सीधा सा एक ला दिया गया है कि 6 साल का बच्चा होगा वही पहली क्लास में एडमिशन लेगा। देश का कौन सा परिवार ऐसा है, किस समुदाय के कोई व्यक्ति ऐसा है जो 6 साल का बच्चा होगा इसके बाद एडमिशन कराएगा? इस स्थिति में आने वाले 10 साल बाद सरकारी संस्थाएं खत्म होने वाली है। आज प्राइवेट स्कूल में 3 साल का बच्चा एडमिशन ले रहा है, और हम नई शिक्षा नीति में ला रहे हैं कि 6 साल का बच्चा होगा इसके बाद पहली क्लास में एडमिशन लेगा, कहाँ जाएगा वो? इस स्थिति में आने वाले समय में सरकारी सिस्टम खत्म करने की जो नीति ला रहे हैं वो कहीं ना कहीं घातक है। माननीय सभापति महोदय, देश के अंदर जो गति है, नवोदय विद्यालय और KV, हम मानते हैं कि देश के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है, कोई भी व्यक्ति को आने का अवसर मिला है वो नवोदय है, लेकिन जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है इसमें 8,88,000 आवेदन आए, पूरे देश के जो केंद्रीय विद्यालय इसमें 8,88,000, प्रवेश कितनों को मिला है, 75,000 बच्चों को प्रवेश मिला है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 8% बच्चों को ही प्रवेश मिल रहा है।